गाइस कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। गाइस आज का टॉपिक हमारा रहेगा, जिस स्किन पे आपको कुछ भी सूट नहीं करता है, तो आज हम बात करेंगे ग्रेसिन। तो यहाँ हमने ग्रेसिन ले लिया है, ये डॉक्टर केयर ग्रेसिन है प्योर। तो मैंने यहाँ ये वाला ग्रेसिन लिया है, आप वो जो अच्छा लगे आप अच्छा ग्रेसिन ले लें। तो चलिए किस तरीके से कैसे हम इसे यूज करेंगे, और ये ग्रेसिन आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। आपकी कैसी भी स्किन हो सेंसिटिव, अगर आपको कुछ भी सूट नहीं करता है, तो आप ग्रेसिन का उपयोग किस तरीके से करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया एक ग्रेसिन, देन उसके बाद मैं लूँगी रोज वाटर, मैं उसके बाद मैं लूंगी एक लेमन। तो चलिए यहाँ हम ग्रेसिन का प्रयोग अपने हेयर के लिए, स्किन के लिए काफ़ी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ग्रेसिन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन एंड हेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और जिसकी सेंसिटिव स्किन है जिसे कुछ भी सूट नहीं कर सकता, उसके लिए तो ग्रेसिन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए यहाँ ले लिया हमने ग्रेसिन, ये मैंने छोटा बोतल ही खरीदा है गाइस। स्किन के ओपन पोर्स को भी ठीक करता है, एंड स्किन पे फाइन लाइंस ऑल प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो चलिए यहाँ इसमें मिक्स करते हैं गुलाब जल, और इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन। तो सबसे पहले देखिए हमें किस तरीके से इसी बोतल में हमें गुलाब जल ऐड करना है। देन हमने यहाँ ले लिया लेमन, इसे भी इसका मैं सारा रस निकाल लूंगी गाइस। लेमन के प्रॉफिट तो आपको पता ही है, एंड गुलाब जल के भी प्रॉफिट्स आपको पता है गाइस। ग्रेसिन में पीएच बैलेंस पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए किस तरीके से हम इसे मिक्स करते हैं, हमें यूज करना है। तो यहाँ इस तरीके से हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हो 8 दिन तक के लिए। चलिए सबसे पहले हम अपना फेस वॉश कर लेंगे अच्छे से। देन उसके बाद हमें किस तरीके से एक ग्रेसिन यूज करनी है, तो यहाँ हमें इस तरीके से हमें थोड़ा सा ग्रेसिन अपने हाथ पे लेना है, देन अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। 2 मिनट तक इस तरीके से अच्छे से हमें फेस पे और फेस पे छोड़ देना है इसे। देन आप इससे पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। और ग्रेसिन तो गाइस आप ऑल स्किन पे यूज कर सकते हो। ग्रेसिन हमारी स्किन में नमी बनाए रखता है, एंड स्किन को हेल्दी बनाता है। धूल मिट्टी पोल्यूशन इतना है कि इससे हमारी स्किन बहुत ही ख़राब होने लगती है,
और जिससे कि हम एज से भी अपनी एज से भी दुगना एज हमारी दिखने लगती है। तो गाइस आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं ग्रेसलिन को यूज, जो कि हमारी स्किन को अच्छा रखेगी एंड यंग बनाएगी। तो चलिए मैं यहाँ इसे गर्दन पे भी यूज करूँगी। इसी ग्रेसलिन का यूज करना है, रगड़ना नहीं है आपको फेस। तो यहाँ मैं अपने हाथों पे भी ग्रेसलिन लगा लूंगी। गाइस जैसे हम लोशन यूज करते हैं अपने पर, इस तरीके से ही हमें इसे यूज करना है। तो इसका यूज हमें डे में 2 टाइम्स करना है, मॉर्निंग में एंड नाइट में। नाइट में भी हमें इस तरीके से ही करना है। फेस वॉश करने के बाद अच्छे से टॉवल से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ ग्रेसलिन को यूज किया है, वैसे ही आपको नाइट में यूज करना है। एंड आपको ग्रेसलिन लगाने के बाद छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मॉर्निंग में आप ना फेस वॉश करें सिंपल वाटर के साथ। तो गाइस ये रहा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक में कोई कंजूसी मत करना बेटा। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर। के लिए और भी अच्छे अच्छे इस तरीके के वीडियोस लाने वाली हूँ गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।